और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज एंड इन्फोटेनमेंट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। 21 सितंबर 2005 को एक जेट ब्लू एयरबस A320 न्यूयॉर्क जाने के लिए उड़ी। इस एयरक्राफ्ट की एक खासियत यह है कि इसमें पैसेंजर्स फ्लाइट में टीवी भी देख सकते हैं। इस फ्लाइट के एक पैसेंजर डेव राइनिट्स ने सोचा, क्यों ना इस खूबसूरत सफर को कैमरे में कैद किया जाए। मैं प्लेन में बैठा, मुझे बहुत अच्छी सीट मिली, मैंने अपना सामान रखा, आराम से बैठ गया। मैं आराम से सोते हुए न्यूयॉर्क जाना चाहता था। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्लाइट क्रू को लगा कि प्लेन में कोई दिक्कत आ गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्लेन के गियर में दिक्कत आ गई है। फ्लाइट में 145 पैसेंजर्स हैं। एशली वॉकर उस वक्त उसी फ्लाइट में थी जब पायलट ने पैसेंजर्स को ये खौफनाक खबर सुनाई। जब पायलट ने ये कहा कि हो सकता है कि कुछ घंटों में आपकी जान चली जाए, तो ऐसा लगा जैसे मैं कुछ अजनबियों के साथ एक कमरे में बंद हूँ और मौत का इंतजार कर रही हूँ। कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन का लैंडिंग गियर काम क्यों नहीं कर रहा। इस दिक्कत को समझने के लिए उन्होंने प्लेन लॉन्ग बीच की तरफ मोड़ लिया। पायलट को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उन्हें होशियार रहना होता है। दूसरे एयरपोर्ट पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के हिसाब से उड़ना होता है। कंट्रोल टावर उन्हें डायरेक्शन देता है। टावर और एक लोकल न्यूज हेलीकॉप्टर को प्लेन में आई दिक्कत का पता चल गया कि खतरा जितना लग रहा था उससे ज्यादा बड़ा है। फ्लाइट में हम इस इंतजार में थे कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तभी मैंने अपने सामने चल रहे टीवी में देखा कि हवा में एक प्लेन का लैंडिंग गियर खराब हो गया है। इस बात का पता चला कि ये हमारा ही प्लेन है तो मेरे होश ही उड़ गए। लैंडिंग गियर सिर्फ नीचे नहीं हुआ था, 90 डिग्री पर मुड़ गया था। लैंडिंग गियर में बहुत बड़ी खराबी आ गई थी और अब सारे पैसेंजर्स को ये पता लग गया था। जब हमने अपनी आँख को टीवी पर देखा तो हमें और ज्यादा डर लगने लगा। इसके बाद तो मुझे लगा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं अपने ही प्लेन के लैंडिंग गियर में आई खराबी को टीवी पर देख रहा हूँ। विश्वास नहीं हो रहा कि यह खबर उसी प्लेन की है जिस पर मैं सवार हूँ। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा आज तो मैं गया। पायलट कैप्टन स्कॉट बट ने तय किया कि वो प्लेन को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ का रनवे काफी लंबा है और वहाँ की इमरजेंसी सर्विसेज भी काफी अच्छी हैं। लेकिन प्लेन को लैंड कराने से पहले उन्हें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल खर्च करना होगा ताकि प्लेन का वजन कम हो जाए, और इसमें कई घंटे लगेंगे। इस प्लेन में ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे फ्यूल निकाला जा सके, इसलिए प्लेन को उड़ाकर ही उन्हें फ्यूल खर्च करना होता है। पैसेंजर्स को लग रहा था कि जैसे उनकी जिंदगी अब खत्म होने ही वाली है। ऐसा लग रहा था जैसे हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, और मौत का इंतजार करना बहुत दर्दनाक होता है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक। वो 2 घंटे बहुत भारी थे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सबका ख्याल रखना, मेरी मम्मी का, मेरी फैमिली का, उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। इस फ्लाइट के पैसेंजर्स की जिंदगी अब पायलट्स के हाथ में थी। प्लेन का ज्यादातर फ्यूल अब खर्च हो गया था और वो अब लैंडिंग कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने दूसरे पायलट से सलाह मांगी। तुम कैसे हो? पता नहीं क्या होने वाला है। आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। प्लेन के अगले हिस्से को ज्यादा ऊपर की तरफ मत रखिए, क्योंकि इससे एयर स्पीड कम हो जाएगी और वो एकदम से नीचे आ जाएगा। इसे बहुत ज्यादा नीचे लाना सही नहीं होगा। आप जहाँ है वहीं रहिए। हम रुके रहते लेकिन ज्यादा देर तक मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ। पायलट्स कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन के अगले हिस्से को जमीन से ऊपर रखकर रनवे पर लैंड किया जाए। उन्हें कोशिश करनी होगी कि प्लेन का वजन टूटे हुए पहियों पर न पड़े। उन्होंने किसी एक रो को प्लेन के पीछे वाले हिस्से की तरफ नहीं भेजा, बल्कि सबको प्लेन के पीछे की तरफ जाने को कह दिया। आप सारे बैग्स को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। हम बैग्स को तो पीछे ले ही जा रहे हैं, पहली 3 रोज को भी पूरा खाली कर चुके हैं हम। बहुत अच्छे स्कॉट, आप मेरी जगह क्यों नहीं आ जाते? घंटों तक नेशनल टेलीविजन पर खुद को जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ देखने के बाद अब इन पैसेंजर्स को सामना करना था अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे का। टीवी बंद कर दिए गए थे और प्लेन बस लैंडिंग की कोशिश करने वाला था। अब सिर्फ थोड़ा ही फ्यूल बचा है। अपन ई कैम में 10,000 दिखा रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें लैंडिंग की कोशिश करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अभी नहीं,
तो कभी नहीं। जब कैप्टन ने कहा लैंडिंग के लिए तैयार हो जाइए तो सबकी सांस अटक गई। अपने पैरों को मजबूती से नीचे रखिए। वह डर के मारे रो रही थी और सिर्फ मैं ही नहीं थी जिसकी यह हालत थी। अपने हाथों से अपनी सीट के पीछे के हिस्से को कसकर पकड़िए और आगे की तरफ झुककर अपना सर सामने वाली सीट पर रख लीजिए। मुझे यकीन है आप ये कर सकते हैं। प्लेन तो लैंड हो ही जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्लेन के सारे पैसेंजर्स की जान बचा लूं। JetBlue 292, हमारी शुभकामनाएं आपके आपके पैसेंजर्स और आपके क्रू के साथ हैं। पकड़िए, पकड़ कर रखिए, जोर से। जैसे ही ये प्लेन लैंड करेगा सब लोग ब्रेक कीजिएगा। जब ये नोज गियर जमीन को छुएगा तो कुछ भी हो सकता है। जैसे ही प्लेन के अगले हिस्से ने जमीन को छुआ एकदम से पता चल गया क्योंकि प्लेन जोर से हिलने लगा, जोर से। क्या शानदार नजारा है। और इसके बाद पूरे कैबिन में जले हुए रबड़ की स्मेल भर गई थी जो बहुत तेज थी, वो बहुत ज्यादा तेज थी। मुझे लगता है पायलट ने सबकी जान बचा ली। बहुत ही अच्छी लैंडिंग हुई है, खतरा टल गया। और फिर प्लेन रुक गया, ऐसा लगा सब कुछ थम गया। हम प्लेन में ही थे और वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। बहुत ही अच्छी लैंडिंग हुई है। और फिर सभी बैठे लोग जोर से चिल्लाए, ये और फिर हमें पता चला कि हम जमीन पर लैंड कर गए हैं, हम सेफ हैं, हम जमीन पर हैं, हमने मौत को हरा दिया था। प्लेन से उतरकर हर कोई उस मील को देख रहा था जिसकी वजह से हम इतने घंटे परेशान हुए। इस तरह लैंड करने की वजह से प्लेन के व्हील्स पूरी तरह टूट गए थे। हैरानी की बात है कि किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन जैसे ही सारे पैसेंजर्स उतर गए इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात की जांच शुरू की कि प्लेन में क्या गड़बड़ हुई थी। सबसे पहले उन्होंने फ्रंट लैंडिंग गियर को चेक किया। उसके अंदर एंटी रोटेशन लग्स होते हैं जिससे व्हील असेंबली लैंडिंग के दौरान फॉरवर्ड फेसिंग पोजीशन में रहती है जैसे रहनी चाहिए। जेट ब्लू 292 के लग्स मेटल में क्रैक आने की वजह से टूट गए थे और इसलिए प्लेन के व्हील सीधे रहने की बजाय राइट एंगल पर मुड़ गए थे। लैंडिंग गियर किसी दूसरे तरीके से व्हील को सही पोजीशन में नहीं ला सकता था क्योंकि वो जैम हो गया था और फ्लाइट में मौजूद क्रू कुछ नहीं कर सकता था। एक्सीडेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स और मेंटेनेंस टेस्टिंग में बदलाव होने चाहिए, इनमें से ही किसी की वजह से यह नुकसान हुआ है। इसके बाद एयरबस ने लैंडिंग गियर के डिजाइन को ठीक किया और सारे A320s के लैंडिंग गियर बदल दिए। क्रू की समझदारी की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और सब बच गए। उन्हें अच्छे से पता था कि प्लेन में क्या दिक्कत आई है। उनके पास ग्राउंड से और एक दूसरे से मदद लेने का काफी टाइम था, उनके पास लैंडिंग की तैयारी के लिए भी काफी टाइम था, तो इस तरह सदर्न कैलिफोर्निया के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के लिए काफी टाइम था उनके पास। जेट ब्लू 292 पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सबक है जो एयरक्राफ्ट को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। कई बार एक छोटे से पुर्जे के खराब होने से भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन प्लेन के किसी पुर्जे के डिजाइन में ही दिक्कत हो तो पैसेंजर्स की जान सिर्फ पायलट जा सकते हैं। 17 जनवरी 2008 ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 38 रात भर उड़ान भरने के बाद बीजिंग से हीथ्रो एयरपोर्ट आ रही है। ये बोइंग 777 एयरक्राफ्ट 1 मिनट में लैंड करने वाला है। एक बिजनेस ट्रिप से घर लौट रहे स्कल्प्टर पॉल स्टेफर्ड इसी फ्लाइट में है। वो बहुत ही लंबी और बोरिंग फ्लाइट थी। बीजिंग से लंदन आने में हमें 11 घंटे लगे।
वहाँ मैं बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाने अक्सर जाता रहता हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि लैंडिंग से 60 सेकंड पहले प्लेन का इंजन फेल हो जाए। कैप्टन इयान हॉलिंगवर्थ हमें इस सिम्युलेटर से समझाएंगे कि उस दिन क्या हुआ था। वो बस लैंड करने वाले थे, एयरप्लेन जमीन छूने ही वाला था, इसीलिए वो हर चीज को चेक कर रहे थे। कैप्टन हर चीज को ध्यान से देख रहे थे। लैंडिंग कैरियर को नीचे किया गया, फाइनल फ्लैप सेलेक्ट कर ली गई, लैंडिंग की सारी तैयारी हो गई थी, उन्हें लैंडिंग की इजाजत भी मिल गई थी। लेकिन लैंडिंग से 50 सेकंड पहले कुछ ऐसा हुआ जो क्रू ने सोचा भी नहीं था। 750 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन में पावर सप्लाई बंद हो गई। कैप्टन ने इंजन को चेक किया, इंजन में पावर सप्लाई बंद हो गई थी, इंजन बंद हो रहे थे, उनकी स्पीड भी बहुत कम हो रही थी। 600 फीट पर दोनों इंजन फेल हो गए, एयर की स्पीड काफी कम हो गई। पायलट्स को जो कुछ करना था 30 सेकंड में ही करना था। कैप्टन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फ्यूल सिस्टम सही जगह पर था, फ्यूल कंट्रोल स्विच भी अपनी जगह पर था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन ऐसा था नहीं, प्लेन अब पायलट के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। प्लेन नीचे गिरने लगा, प्लेन का अगला हिस्सा ऊपर की तरफ था। पायलट को जल्द ही कोई फैसला लेना था। जब अगला हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा और स्पीड कम होने लगी तो ये लगने लगा कि प्लेन रनवे तक भी नहीं पहुंच पाएगा। लैंडिंग से 10 सेकंड पहले अगर प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाया तो कम से कम बाउंड्री फेंस से तो दूर होना चाहिए। यह जरूरी था कि कैप्टन अपने ग्लाइड को ज्यादा से ज्यादा खोले। उसने प्लेन के फ्लैप्स उठाए और विंग्स को स्ट्रीमलाइन किया। कैप्टन फ्लैप बटन को 25 तक लेके आए। को पायलट ने अगले हिस्से को नीचे किया। मेडे, मतलब कि इमरजेंसी। बस 3 सेकंड बचे हैं। कैप्टन बर्किल के पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बारे में बताने का ये पहला मौका है। मेडे, मेडे, स्पीड बर्ड, 9595। जब कुछ समझ नहीं आया तो कैप्टन बर्किल ने अपनी अगली फ्लाइट की अनाउंसमेंट कर दी। टैक्सी ड्राइवर जॉन रोलैंड उस वक्त किसी को पिक करने हीथ्रो एयरपोर्ट आए थे। प्लेन उनकी टैक्सी से टकराते बचा। जैसे मैं टैक्सी को पेरिमीटर रोड पर ले गया, जहां हर रोज ले जाता हूं, तो टर्मिनल 4 की तरफ जाते हुए मुझे रोड पर एक बहुत बड़ी सी शैडो दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई बहुत बड़ी सी चीज है। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक प्लेन बहुत बहुत ही नीचे आ गया है, और वो प्लेन शायद मेरी टैक्सी से 8 से 10 फीट ऊपर था और पेरिमीटर फेंस से टकराते बचा। पायलट ने कंट्रोल कॉलम को दबाया ताकि झटका जोर से न लगे, और तो क्या था, एयरप्लेन क्रैश हो गया। फ्लाइट BA-38 रनवे के पास ही गिर गई और ऑक्सीजन मास्क निकलकर मेरे सामने आ गए। सबके ऑक्सीजन मास्क निकल गए, ऊपर जो लॉकर्स थे वो खुल गए, सबका सामान इधर उधर गिर गया और प्लेन झटके से आगे की तरफ जाने लगा। मेरा सर आगे वाली सीट से जा टकराया और मेरे पैर पिछली सीट से, और मैं अपनी सीट से गिरने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और फिर 10 सेकंड में ही वहां पर मौजूद हर कोई बुरी तरह से डर गया था। प्लेन रनवे के बिल्कुल नजदीक लैंड किया गया था, जहाँ से रनवे बस कुछ ही दूर पर था। वो खाली जगह थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था और सारे बच गए। पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पायलट ने काफी समझदारी दिखाई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन को ऐसी जगह गिराया जहाँ उसे घिसकने के लिए 164 फीट जगह मिल गई। इसके बाद पैसेंजर्स को इस प्लेन से निकाला गया। एक पैसेंजर ने उन लोगों को कैमरे में कैद किया। उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मैं एयरप्लेन से थोड़ी सी दूर गया और मैंने देखा कि बड़ा सा 777 एयरप्लेन टूटकर पूरी तरह से जमीन पर गिरा हुआ था। 47 लोगों को चोट लगी, लेकिन क्रू की समझदारी की वजह से किसी की जान नहीं गई। दुनिया भर में 1000 से भी ज्यादा 777 है, लेकिन ये पहला है जिसकी इतनी बुरी हालत हुई है। ऐसा पहली बार हुआ था जब एक 777 बर्बाद हो गया था, और इस तरह के हादसे कभी कभार ही होते हैं। क्योंकि प्लेन के दोनों इंजन्स की पावर सप्लाई एक साथ बंद हुई थी, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्यूल सिस्टम की जांच शुरू की। फ्यूल सिस्टम को देखने के बाद हमने सोचा कि आखिर हो क्या सकता है। पहला ये कि क्या फ्यूल खत्म हो गया था, पर ऐसा नहीं था। क्योंकि टैंक्स में तो काफी सारा फ्यूल था। क्या फ्यूल में कोई चीज मिल गई थी? कहीं कोई फ्यूल टैंक में कोई लिक्विड केमिकल तो नहीं चला गया? तो हमने इस तरह की बहुत सी बातों की जांच शुरू कर दी थी। बीजिंग से वेस्ट की तरफ जाते हुए बाहर का टेम्परेचर एकदम -85 डिग्री हो जाता है।
इतने टेम्परेचर पर जेट फ्यूल तो फ्रीज नहीं होता, लेकिन पानी फ्रीज हो जाता है और फ्यूल में एक छोटी सी मात्रा पानी की भी होती है। तो क्या फ्यूल में जो पानी था उसके फ्रीज होने से सिस्टम ब्लॉक हो गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स फ्लोरिडा की एलिमेंट मटेरियल्स टेस्टिंग लैब में गए। वो चाहते थे कि एयरक्राफ्ट के फ्लो सिस्टम में जो कुछ होता है, जैसे भी हालात पैदा होते हैं वैसे ही हालात दोबारा पैदा कर दिए जाए। इस साइंटिस्ट ने एक विग बनाया जिससे ये समझा जा सके कि 777 के फ्यूल सिस्टम में क्या दिक्कत आई थी। फ्लाइट के दौरान फ्यूल में मौजूद पानी जम गया था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा हो जाता है। फिर ये आइस पार्टिकल्स उन पाइप्स की वॉल से चिपक गए जो इंजन में फ्यूल ले जाते हैं। जब फ्यूल पाइप्स में से जा रहा था तो आइस के कुछ टुकड़े टूट गए, लेकिन एक फिल्टर की वजह से वो इंजन तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर हमारा मेन फ्यूल टैंक है जिसमें 4000 गैलन्स जेट फ्यूल है जिसका टेम्परेचर -40 है। इस चैम्बर में लिक्विड नाइट्रोजन है जो फ्यूल को ठंडा रखता है और यहाँ पर वाटर इंजेक्शन सिस्टम है जो पानी को फ्यूल में जाने देता है। यहाँ पर एक विजुअल इंडिकेशन है जिससे हमें पता चल रहा है इस सिस्टम में आइस है और ये एक फिल्टर है जो हमारी टेस्ट आइटम है। टेस्ट रिग की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स ये तो देख पा रहे थे कि BA-38 की पूरी जर्नी के दौरान फ्यूल का फ्लो कैसा था। ये देखना तो आसान था, लेकिन फ्लाइट में जो हुआ वैसा कुछ दोबारा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन क्या दिक्कत हुई ये पता लगाना जरूरी था ताकि किसी और 777 के साथ ऐसा हादसा न हो जाए। इस एक्सपेरिमेंट को 2 साल तक बार बार रिपीट किया गया, तब जाकर कामयाबी मिली। जैसे ही फ्लाइट नॉर्दर्न एशिया से निकली उसके इंजन की फ्यूल डिमांड काफी कम हो गई और ऐसे हालात में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की बजाय आइस फ्यूल सिस्टम में ही इकट्ठी होती गई और किसी कारण वो टुकड़े एक दूसरे से चिपकते गए और आइस के बड़े बड़े टुकड़े बनते गए। आइस इतनी चिपचिपी हो गई थी कि हर चीज से चिपकी जा रही थी और फिर जब आइस के टुकड़े एक दूसरे से चिपकने के बाद बड़े होते गए तो वो सिस्टम में घुस गए और जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे और इंजन में फ्यूल भेजा गया तो उसमें ये बड़े बड़े आइस के टुकड़े भी आ गए जो फिल्टर से जाकर टकराए। फिल्टर आइस को पिघला नहीं पा रहा था, लिहाजा वो ब्लॉक हो गया। देखिए जैसे ही फिल्टर को खोला जा रहा है बहुत सारे आइस के क्रिस्टल्स फिल्टर के बाहर चिपक रहे हैं जिससे कि फिल्टर ब्लॉक हो सकता है और फिर इंजन बंद हो सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक साइबेरिया के कोल्ड टेम्परेचर की वजह से आइस स्टिकी नहीं हुई थी बल्कि फ्यूल पाइप्स में ही पैदा होने वाली कंडीशंस की वजह से हुई थी। ऐसी कंडीशंस बहुत कम होती हैं। इसके लिए एक खास टाइम पर एक खास टेम्परेचर होना चाहिए, उस टाइम फ्यूल का फ्लो भी हो, तब जाकर ऐसा कुछ होता है। बड़ी हैरानी की बात है कि ये 25 मिलीलीटर पानी फ्यूल सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है जिससे इंजन बंद हो सकता है और प्लेन क्रैश हो सकता है। हालांकि हीथ्रो एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के फिर से होने की संभावना ना के बराबर थी, फिर भी रोल्स रॉयस ने फिल्टर का डिजाइन बदल दिया। पुराने डिजाइन में इन छेदों में आइस जा सकती थी, इसलिए उन्होंने फिल्टर को सामने से फ्लैट कर दिया ताकि आइस सीधे गर्म गर्म मेटल से टकराए और पिघल जाए। ये खराबी फ्लाइट के उड़ान भरने के कई घंटे बाद आई थी। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। सबको पता था कि ऐसे हादसे में पहले से कुछ भी पता नहीं किया जा सकता था। कोई नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि एक बड़े एयरक्राफ्ट में ऐसी दिक्कत आ सकती है। हजारों प्लेन्स में लगे एयरक्राफ्ट के ये डिजाइन सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन इनमें भी कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और दिक्कत तो ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट जेट्स में भी आ सकती है। 2013 में 2 ड्रीमलाइनर्स की स्मोकिंग बैटरीज की वजह से दुनिया के इस सबसे मॉडर्न प्लेन में आग लग गई थी। 2004 में फ्यूल के दाम बढ़े और फ्लाइट से जाने वाले पैसेंजर्स भी बढ़ने लगे, तो बोइंग ने अपना ड्रीमलाइनर लॉन्च किया जो कि नए जमाने का एयरक्राफ्ट था। बोइंग एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था जो हल्का हो और कम फ्यूल खर्च करे। एयरलाइन को एक तिहाई खर्चा फ्यूल पर ही करना पड़ता है
इसलिए अगर एयरक्राफ्ट कम फ्यूल खर्च करेगा तो ही एयरलाइंस अपने किराए कम कर पाएगी। इस एयरक्राफ्ट के तैयार होने में 7 साल और $32 बिलियन खर्च हुए। 787 ड्रीमलाइनर टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन। कहा जाने लगा कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से अच्छा एयरक्राफ्ट हो ही नहीं सकता। ये ज्यादा लोगों को ज्यादा जगहों पर ले जा सकता था और इसमें पुराने एयरक्राफ्ट के मुकाबले 20% फ्यूल कम खर्च होता था। और सबसे बड़ी बात, इस प्लेन का वजन कम था, यानी इसमें और ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते थे। और इसकी एक बड़ी ताकत थी इसकी बैटरी पावर। इलेक्ट्रिक पावर न्यूमैटिक पावर के मुकाबले एक बेहतर तकनीक थी जिससे नई जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की ताकत और बढ़ी। इनमें लिथियम आयन बैटरीज भी लगी हुई थी और ये बोइंग के डिजाइन का एक अहम हिस्सा था। लिथियम आयन बैटरीज वो होती हैं जो सेल फोन्स और लैपटॉप्स में लगी होती हैं। ऐसी दो बैटरीज इसमें लगी थी, एक विंग्स के पीछे और दूसरी कॉकपिट के नीचे, और इनका वजन ट्रेडिशनल बैटरी से आधा था, यानी इनसे प्लेन का वजन और कम हो गया। इन बैटरीज की वजह से बोइंग इलेक्ट्रिसिटी पर और ज्यादा सिस्टम चला सकते थे। एक ड्रीमलाइनर की बैटरी से इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिससे एक पूरे मोहल्ले की लाइट्स जल जाएं। January 16, 2013 जापान। एक ड्रीमलाइनर टोक्यो जा रहा था। कंपनी के पास ऐसे और 49 विमान थे। फ्लाइट के दौरान पायलट्स को कॉकपिट में एक तेज स्मेल आई। इंस्ट्रूमेंट से पता चला कि ये सिस्टम्स की एरर है। किसी हादसे से बचने के लिए इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की। वो लिथियम आयन बैटरीज जिनसे प्लेन को पावर मिलती है वो ग्राउंड पर आते ही ज्यादा गर्म हो गई। जब एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है तो कई लोगों की जान चली जाती है, धुआं भरने से दम घुटने लगता है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट तक नहीं लगी, वरना ऐसे हादसे में बचना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ था। एक हफ्ता पहले ही एक नए ड्रीमलाइनर ने जब बोस्टन लोगन एयरपोर्ट पर लैंड किया तो 20 मिनट बाद उसके क्लीनर को प्लेन के पीछे की तरफ लगी मशीन में से स्मेल आई। फिर एक मैकेनिक ने देखा कि वहां आग लगी हुई है। एक बार फिर लिथियम आयन बैटरीज की वजह से प्लेन में आग लगी। साफ था कि इन बैटरीज में कोई ना कोई दिक्कत तो है। जनवरी 2013 में बोस्टन में JAL पर जो घटना हुई थी हमने उसकी जांच की क्योंकि हमें उसकी परवाह थी। फायर सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम ये जानना चाहते थे कि बैटरी में आग आखिर लगी तो लगी कैसे। हवा में 30,000 फीट पर प्लेन में आग लगना जानलेवा होता है। जब हमने 787 के डिजाइन की टेस्टिंग की तो हमें पता चला कि 1 करोड़ घंटे तक उड़ने के बाद शायद लिथियम आयन बैटरीज में से धुआं उठ सकता है। और इस साल 2 हफ्ते में ही ऐसे 2 हादसे अलग अलग एयरक्राफ्ट्स पे हो चुके थे। लिथियम आयन बैटरीज को इतना बड़ा खतरा माना गया कि उसी दिन से 50 ड्रीमलाइनर्स को बंद कर दिया गया। लॉन्च के 15 महीने बाद ही ये बंद हो गए। इस वजह से बोइंग को हर हफ्ते $43 मिलियन का नुकसान हो रहा था। किसी भी तरह के एयरप्लेन्स को बंद करने से काफी नुकसान होता है, चाहे वो नए हो या पुराने, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स जुड़े होते हैं, अथॉरिटीज जुड़ी होती हैं, एयरलाइंस जुड़ी होती हैं, पैसेंजर्स जुड़े होते हैं। ऐसा फैसला आसानी से नहीं लिया जाता। आमतौर पर लिथियम आयन बैटरीज में आग नहीं लगती, लेकिन हमारे रोज काम आने वाले मोबाइल और लैपटॉप में भी ऐसा हो जाता है। किस्मत अच्छी थी कि इस लैपटॉप में जब आग लगी तब ये LAX में टर्मिनल पर था, फ्लाइट में नहीं। और ड्रीमलाइनर की बैटरी इन लैपटॉप की बैटरी से 85 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। बोइंग का कहना है कि उनकी लिथियम आयन बैटरीज लैपटॉप की बैटरी से काफी अलग है और इन्हें अच्छे से टेस्ट किया गया है। ये काफी मजबूत हैं और इनके खराब होने से प्लेन को कोई खतरा नहीं होगा।
जब एक लिथियम आयन बैटरी ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें थर्मल रन अवे नाम का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। बैटरी जितनी ज्यादा गर्म होती जाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी पैदा करती जाएगी और अगर इसमें से हीट नहीं निकलती तो बैटरी इस तरह से फट जाती है। ड्रीमलाइनर के साथ हुए हादसों से FAA को लगा कि प्लेन में लगी बैटरीज में आग लगने का खतरा है, इसलिए उन्होंने सारे ड्रीमलाइनर्स पर रोक लगा दी। मैसाच्यूसेट्स के वूस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट ये देख रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरीज कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ड्रीमलाइनर की हर बैटरी कार की बैटरी से बड़ी होती है। जो बैटरी ये यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उससे 60 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा करती है। ये जानने के लिए कि बैटरी में आग लगने पर क्या होता है, साइंटिस्ट ने 5 में से एक सेल में आग लगाई है और अब ये देखेंगे कि इससे बैटरी पर क्या असर होता है। बैटरीज को एक सुरक्षित कंटेनर में रखकर एक सेल में आग लगा दी गई है। जैसे ही सेल का टेम्परेचर बढ़ा इससे थर्मल रन अवे शुरू हो गया और कुछ ही सेकंड्स में इससे इतनी हीट पैदा हुई कि बाकी चारों में भी आग लग गई। सेल में अब भी हीट प्रोड्यूस हो रही थी और वो और गर्म होता जा रहा था। फिर अचानक बैटरी फट गई और ऐसा लगा जैसे लैब में कोई बम फट गया। इससे FAA को लगा कि ड्रीमलाइनर में भी ऐसा हो सकता है। इसमें ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें आग लग सकती है और उनसे जहरीली फ्यूम्स निकल सकती हैं। 12 हफ्ते तक टेस्ट करने के बाद बोइंग ने ऐलान किया, हो सकता है कि हमें कभी इसकी कोई वजह पता ना लगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी हादसे की एक भी वजह ना पता लगी हो, इसलिए जो भी दिक्कतें हो सकती हैं हम उन्हें दूर करेंगे। लेकिन बोइंग ने लिथियम आयन को बंद नहीं किया। FAA की सुपरविजन में उन्होंने प्लेन में एक बेहतर डिजाइन की बैटरी लगाई जिससे थर्मल रन अवे से बचा जा सके और बैटरी यूनिट के लिए एक और बॉक्स डिजाइन किया गया। बोइंग का कहना है कि इससे आग लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा क्योंकि ये सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देगा और अगर आग लग भी गई तो ये स्मोक और फ्लेम्स को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल देगा। 27 अप्रैल 2013 से ड्रीमलाइनर्स फिर से उड़ने लगे नई लिथियम बैटरीज के साथ। अनुमान है कि अपने प्लेन्स को बंद करके बोइंग को $600 मिलियन का नुकसान हुआ। ड्रीमलाइनर को बनाने वाले इंजीनियर्स को पता था कि लिथियम आयन बैटरी एक रिस्की टेक्नोलॉजी है। बोइंग ने खुद ये बात मानी थी कि इस बैटरी में होने वाला रनवे थर्मल इवेंट जानलेवा हो सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद ये कहा था कि इस बैटरी में इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो फिर बोइंग को नए एयरक्राफ्ट पर ये बैटरीज लगाने की इजाजत क्यों दी गई और क्या इससे हमें ये नहीं पता चलता कि मॉडर्न एयरलाइनर्स कैसे काम करते हैं? जब किसी एयरलाइनर्स को सेफ सर्टिफाई कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को टेस्ट करने की इजाजत दे देती है और जब टेस्ट पूरे हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनकी सर्टिफिकेशन पर साइन करती है, तो एक तरह से वो सब कुछ खुद करते हैं। मैन्युफैक्चरर या असेंबलर ही ये बताता है कि वो कैसे साबित करेगा कि उसकी एयरलाइन सेफ है और जब वो ये कर लेते हैं तो FAA सर्टिफिकेशन साइन कर देता है। FAA उन पर ये दबाव डालता है कि वो ये टेस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ही करवाएं जिनकी तकनीकी क्षमता काफी अच्छी है और FAA इस पूरे प्रोसेस पर नजर रखता है और टेस्ट के डेटा की जांच खुद करता है। FAA और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स पिछले कई दशकों से एविएशन इंडस्ट्री को इसी तरह चला रहे हैं लेकिन पिछले 10 सालों में इसमें काफी बदलाव आए हैं। अब हम जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं उनको बनाकर एक का बहुत ही अलग है, वैसे बिल्कुल नहीं जैसे हम पहले बनाया करते थे। पहले तो डगलस एयरक्राफ्ट के प्लांट ए से जेड में ही ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेकिन अब पूरी दुनिया में अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। और एक मॉडर्न ड्रीमलाइनर के विंग फ्लैप्स ऑस्ट्रेलिया में बनते हैं, अगला हिस्सा अमेरिका से आता है, फ्यूजेलाज इटली में तैयार होता है, लैंडिंग गियर यूके में बनाया जाता है और कैबिन लाइट्स जर्मन में बनती हैं। एक ड्रीमलाइनर में 20 लाख से भी ज्यादा पार्ट्स होते हैं जिन्हें दुनिया भर के सैकड़ों सप्लायर्स बनाते हैं। इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स होने से क्वालिटी काफी बेहतर हो गई है। हमें शायद कभी पता नहीं चलता कि ड्रीमलाइनर की बैटरी में क्या दिक्कत आई, लेकिन किसी बड़े हादसे से पहले ही इसका पता चल गया और बोइंग ने उसे ठीक भी कर दिया। 2007 में एयरबस ने अपना खुद का प्लेन लॉन्च किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर जेट था, A380।
इस सुपर जंबो में 853 पैसेंजर्स आ सकते हैं, यानी किसी दूसरे प्लेन से 40% ज्यादा, जिससे ये किसी भी दूसरे एयरलाइनर से सस्ता हो गया। पहले 3 साल तो इसकी खूब तारीफ हुई, लेकिन फिर मार्च 2010 में इस पर सवाल। प्लेन रनवे पर आकर रुक गया। ये साफ पता चल रहा था कि एयरक्राफ्ट के 22 में से 2 टायर्स लैंडिंग करते ही फट गए। टायर फटने से कई पैसेंजर काफी घबरा जाते हैं। ऐसे हालात में पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर सकते हैं। मॉडर्न जेट एयरलाइंस में कई टायर्स होते हैं ताकि अगर कुछ खराब भी हो जाए तो सेफली लैंड किया जा सकता है। उसे जल्दी से ठीक करके प्लेन फिर से उड़ गया, लेकिन इसके 7 महीने बाद इसी रूट से आ रहा एक सुपर जंबो बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया। नवंबर 2010, इस बार क्वांटस फ्लाइट 32 सिंगापुर से अभी उड़ी ही थी। कैप्टन रिचर्ड डी क्रेपनी सिडनी एयरपोर्ट जा रहे थे। ये किसी आम फ्लाइट की तरह ही थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उड़ने के 4 मिनट बाद ही कैबिन में एक जोर की आवाज आई। हम बटन आइलैंड के ऊपर से जा रहे थे और 7400 फीट की ऊंचाई पर थे, जब 2 बार जोर से आवाज आई, ऐसे बूम बूम। पता नहीं कैसे, मगर A380 के 4 इंजन में से एक फट गया था। बहुत जोर से झटका लगा, जैसे कार को एकदम से रोकने पर लगता है। उस वक्त मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, मुझे लगा कि कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर 30 सेकंड के बाद ऐसा ही झटका फिर से लगा और फिर प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। एक पैसेंजर ने देखा कि विंग में होल हो गया है। मैं माफी चाहता हूँ, आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे दूसरे इंजन में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है। हमने हालात को संभाल लिया है और एयरक्राफ्ट अभी सुरक्षित है, लेकिन हमें कुछ देर के लिए रुकना होगा। थोड़ा सा फ्यूल निकाल कर प्लेन को हल्का करेंगे और साथ ही कुछ चीजों को चेक भी करना है। मुझे विंग से होल नजर आ रहा था और इंजन से निकलता हुआ धुआं भी नजर आ रहा था। कैप्टन डी ग्रेपनी को अभी ये नहीं पता कि ये धमाका क्यों हुआ है, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो मुसीबत में है। प्लेन उन्हें ये वार्निंग दे रहा है कि उसके हर बड़े सिस्टम में दिक्कत आ गई है। हर चीज में दिक्कत आ गई थी, इंजन और फिर फ्यूल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, लैंडिंग गियर्स, ब्रेक्स और ऑटो थ्रस्ट। एयरप्लेन का सिस्टम सही जानकारी नहीं दे रहा था। जिन इमरजेंसी कंडीशंस को उन्हें एक साथ दिखाना था वो उन्हें नहीं दिखा पा रहा था, और इस वजह से पायलट को लगा कि प्लेन के सारे सिस्टम्स खराब हो गए हैं, जबकि ऐसा था। कैप्टन डी क्रेपनी ने प्लेन को वापस सिंगापुर की तरफ ले लिया। उन्हें पता नहीं था कि इंजन के फेल होने से कितना नुकसान हुआ है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि एयरप्लेन को काफी नुकसान पहुंचा है, तो मुझे लगता है कि एयरप्लेन को लैंड कराने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। सुरक्षित लैंडिंग के लिए जरूरी था कि फ्यूल निकाला जाए, लेकिन फ्यूल सिस्टम तो खराब हो गए थे, यानी वो फ्यूल नहीं निकाल सकते थे। अब उन्हें 50 टन ज्यादा वजन के साथ ही लैंड करना था, और लैंडिंग के बाद जिस सिस्टम से प्लेन रुकता है वो भी खराब हो गया था। उनके पास फुल फ्लैप्स नहीं थे, फुल ब्रेक्स नहीं थे, उनके पास फुल रिवर्स थ्रस्ट नहीं था, और साथ ही कुछ विंग स्पॉयलर्स भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए उस वक्त उनके लिए ये बहुत जरूरी था कि वो प्लेन को रनवे पर काफी दूर लैंड करवाएं। आमतौर पर प्लेन का कंप्यूटर ही ये बताता है कि उन्हें कितना रनवे चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि इस तरह के हादसों के बाद लैंडिंग के लिए कितने रनवे की जरूरत पड़ सकती है। इतने नुकसान के बाद प्लेन के ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया था। को पायलट ने अंदाजा लगाया कि एक 4400 यार्ड के बड़े से रनवे पर दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर जेट को थोड़ी सी जगह और मिल सकती है, यानी सिर्फ 100 गज। मेरा पूरा ध्यान रनवे पर था कि किस तरह मुझे रनवे पर जाना है, और फिर मुझे स्पीड एक जैसी रखनी थी। जैसे ही A380 ने सिंगापुर में लैंड किया, पैसेंजर्स प्रार्थना करने लगे। मैं इससे ज्यादा जिंदगी में कभी नहीं डरी। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी,
प्लेन की रफ्तार अपनी सही रफ्तार से 35 नॉट्स ज्यादा थी। ब्रेकिंग सिस्टम काफी ज्यादा गर्म हो गया था। एक इंजन बंद नहीं हो रहा था और बहुत ज्यादा फ्यूल लीक होने से आग लगने का डर था। 200 मीटर पहले ही मैंने ब्रेक छोड़ दी थी ताकि 100 मीटर पहले ही प्लेन घिसकना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं चाहता था कि फायर क्रूज जल्द से जल्द आ जाएं। फायर क्रूज ने एयरक्राफ्ट पर फौरन आग बुझाने वाली फोम डाल दी। मुझे याद है कि एक बड़ा सा होल देखा था जो काफी ब्लैक लग रहा था और आप एक्चुअली अंदर देख सकते थे इंजन के, जिसका कवर बुरी तरह टूट चुका था। आज भी जब हम उस हादसे के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि हम कितने लकी थे कि हम बच गए, वरना उस दिन तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस इंजन की जांच शुरू की जिसे एयरबस ने रोल्स रॉयस से बनवाया था, और उन्हें जो पता चला उससे उनके होश उड़ गए। किसी वजह से इंजन के पीछे लगी टरबाइन डिस्क फट गई थी और उससे 3 ऐसे टुकड़े बन गए थे जो बम की तरह फट सकते थे। एक टुकड़ा विंग में फट गया जिससे 2 फ्यूल टैंक टूट गए, और दूसरा विंग के आगे के हिस्से में चला गया, और तीसरा प्लेन के नीचे की तरफ जाकर फट गया जिससे एयरक्राफ्ट की वायरिंग और कंप्यूटर सिस्टम्स खराब हो गए। किस्मत अच्छी रही कि मेटल के टुकड़े पैसेंजर कैबिन तक नहीं आ पाए। क्वांटस 32 के इंजन से निकले वो 3 बम जैसे टुकड़े पैसेंजर कैबिन तक नहीं आ पाए, इसे उनके लिए अच्छी किस्मत ही कहा जा सकता है, और क्या कह सकते हैं। विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी अपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए मशहूर है। यहाँ के एविएशन इंजीनियर्स आपको दिखा सकते हैं कि एक टर्बाइन डिस्क की एक शार्ट फटने से कितना नुकसान हो सकता है। इस वुडन ब्लॉक के नीचे हमने ये कंपोजिट डिस्क रखी है जो A380 के पैसेंजर कैबिन जैसी है, और यहाँ हमने बहुत ही शार्प नाइफ रखा हुआ है जो उन टुकड़ों के जितना ही शार्प है जो इंजन से निकले थे। यहाँ 100 पाउंड के वजन से एक्सप्लोजन जैसा फोर्स लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लैब में हम वैसी पावर पैदा नहीं कर सकते। टर्बाइन फेल होने पर जो एनर्जी निकलती है वो यहाँ की एनर्जी से 100 गुना ज्यादा है। 3, 2, 1, go! प्लेन्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनका वजन कम से कम हो। अगर कोई मेटल की चीज उनसे जोर से टकराए तो वो सहन नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए वो फोर्स जो अब हमने लगाया उसका 100 गुना था वहाँ, उतना जितना एक बुलेट की स्पीड होती है। और जाहिर है वहाँ अगर पैसेंजर्स होंगे तो उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंजन किस वजह से फेल हुआ? इन्वेस्टिगेटर्स ने बटहम आइलैंड पर गिरे मलबे से इसका सुराग ढूंढने की कोशिश की और उन्हें पता चला कि प्लेन में ऑयल लीक हुआ था। क्वांटस 32 के मेटल का कलर जिस तरह से उड़ा उससे साफ था कि उन्हें ऑयल सप्लाई सिस्टम पर बहुत ध्यान देने की जरूरत थी। उन्हें जल्द पता चल गया कि ऑयल पाइप की वजह से ऐसा हुआ। पाइप में होल ठीक से नहीं किया गया था, होल बीच में होने की बजाय साइड पर था, इसी वजह से वो टूटा। इस पाइप से इंजन के बेयरिंग्स में लुब्रिकेटिंग ऑयल जाता है, लेकिन इसमें आए क्रैक की वजह से ऑयल इंजन के गर्म हिस्से में चला गया और आग लग गई। इस आग से एक टरबाइन डिस्क को नुकसान पहुंचा और आखिरकार वो फट गई। रोल्स रॉयस ने फौरन इस दिक्कत को दूर किया और उन सारे 380s के पाइप बदले जिनमें उनके इंजन लगे थे। ऐसा नहीं है कि इस हादसे के बाद ये क्वांटस प्लेन्स बंद हो गए। इन्हें रिपेयर करने में $150 मिलियन का खर्च आया और ये फिर से हवा में उड़ने लगे। तो इंडस्ट्री के 2 सबसे नए एयरक्राफ्ट में बड़ी तकनीकी दिक्कतें आई। इससे साबित होता है कि भले ही आप कितने भी टेस्ट कर लें, कितनी सावधानियां बरत लें, लेकिन तब भी तकनीकी दिक्कत आ सकती है जो खतरनाक भी हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फेल ना हो। हमारी इंडस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं होगी ये भी कहना पॉसिबल नहीं है। इसकी 2 वजह होती है, एक तो तकनीक पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते और ये एयरक्राफ्ट कमाई के लिए ही चल रहे हैं, और दूसरा ये कि इसमें इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व होती है। इन सारे हादसों में एक बात कॉमन है कि एक प्लेन जो न जाने कितने सालों से लाखों पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा है उसमें किसी भी समय तकनीकी दिक्कत आ सके। हाँ,
हर एक्सीडेंट से हम ये सीखते हैं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं ताकि ऐसा एक्सीडेंट दोबारा ना हो। आज प्लेन से ट्रेवल करना पहले के मुकाबले ज्यादा सेफ है, लेकिन चाहे एयरप्लेन का डिजाइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे उसे उड़ान भरते हुए कुछ हफ्ते हुए हों या फिर 20 साल, तकनीकी दिक्कत हर प्लेन में आ सकती है। दिक्कतें तो हमेशा आती रहेंगी, बस हमें उनका समझदारी से सामना करना होगा, तभी हम एविएशन सिस्टम को